पहुंच चुके हैं पहलगाम से थोड़ा दूर, और ये चेकआउट करो एप्पल गार्डन कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक के वेट कर लो, चलते हैं और सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। ठंड तो है और इसके ये देखो भाई क्या ही मतलब लुक्स आ रहे हैं। सो गाइस मतलब अभी भी 2 घंटे जैसा कि बाकी है पहलगाम में, मतलब फर्स्ट हमारा स्टॉप पहलगाम हुआ, जम्मू से तो आ गए थे और मैं ट्रेन में ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि भाई बहुत ही मतलब हेक्टिक था, ठीक है। और यहाँ भाई वहाँ पे फ्रेश जूस मिल रहा है यहाँ पे बैठ के, आप ठीक है आराम से कुछ सब कुछ कर सकते हो, क्या ही लुक आ रहा है। और मुंह में से देखो कैमरा में नहीं देख लो फॉग दिख रहा, बहुत ठंड है, 17 डिग्रीज और रात को -1 -2 भी होती है, बट मज़ा आ रहा है, ठीक है लेट्स गो भाई। और इसके साथ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस व्लॉग को पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम। गाइस पहुंच चुके हैं पहलगाम और ये है अपनी मतलब 2 दिन तक के पूरे होटल, अभी चल रहे अंदर, बहुत ठंडी है भाई, मिल चुका है। और भाई चेकआउट करो कुछ ऐसा सा है, क्यूटी सा रूम यहाँ पे, बाथरूम्स वार्डरोब और काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग सोफे, और भाई साहब चुम्मा टीवी भी है नेक्स्ट लेवल, अभी फटाफट से अरेंज करते हैं फिल आपको मिल। गाइस फाइनली सब कुछ सेट हो गया भाई, रूम तो बहुत ही अच्छा है, होटल भी अच्छी है और ठंडी भी बहुत अच्छी है, और भाई अच्छा है कि टीवी है और रूम मतलब इतना क्लीन भाई, वाह मतलब चुम्मेश्वरी मज़ा आ गया भाई। मतलब मैं ट्रेन में व्लॉग नहीं कर पाया था भाई, मैंने खोल तो लिया अभी देखता है फर्स्ट, मतलब यही व्लॉग मेरे को देखना था, लेट्स सी कैसा है भाई, आप भी जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक आ रही होगी, जल्दी से जाओ देखो। गाइज फ्रेश हो चुके हैं, नहा धो के सब रेडी हो चुका है, बच चुके हैं 9:20, फुल नहा धो के मतलब गर्म पानी आया था, अच्छी बात है भाई। और मैच देख रहे थे अभी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, बट जीत जाएंगे ऑफकोर्स यार, इंडिया में खेली जा रही, अभी चल रहा है खाना खाने। ओ गाइज गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग, और आज है कश्मीर ट्रिप का day number 2, वैसे तो day number 4 है बट ट्रेन की जर्नी अगर माइनस कर दे तो 2 ही दिन होते हैं, और बज चुके हैं 8:23 और फटाफट से नहा धो के फुल रेडी, क्योंकि यहाँ पे जल्दी शाम मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है इसलिए सब कुछ जल्दी करना पड़ जाता है, अभी चलता है फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर। सो गाइस निकल रहे हैं, गाइस पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड करके, मतलब हॉर्स कार्ट से ऊपर आना था, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, मज़ा है, और फुल ऑन ये व्यू चल, ये देखो क्या ही मतलब बड़ा सा है, बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे, जिप लाइंस भी है, और ये देखो भाई बर्फ ये है यहाँ पे। तो गाइस फोटे वोटे तो हो गए सारे पढ़ा लिए, हाँ बीच में कश्मीरी ड्रेस मिल रहा है, वो तो देख के फोटो मतलब आप खिंचा सकते हो रेंट्स में, और जीप लाइन भी है, और उधर उधर वो वाले बॉल्स भी है, और उसी के साथ बंजी जंपिंग भी है, तो मज़ा आने का, और बहुत ऊपर आ गए हम, 700 मीटर हम ऊपर आए। तो गाइस पहन लिया है कुछ ऐसा सा कश्मीरी ड्रेस और अच्छे से लग रहे हैं, और ये है हमारी दीदी जी, कैसी अच्छी सी लग रही है, हमें पापा का फोटो साथ चल रहा है। तो गाइस हो गया है सब कंप्लीट, बच गया है एक, हम 12 o'clock यहाँ पहुँच गए थे, अभी देखो काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका है, ठंड भी बढ़ गई है, अभी नीचे जाना है घोड़े से, 700 मीटर हम ऊपर है, अभी 700 मीटर नीचे जाना। सो गाइस पहुंच चुके हैं सेकेंड लोकेशन पे जिसका नाम है बेताब वैली, और भाई पीछे का बैकग्राउंड छोड़ो, एक तरफ बर्फ है नदी, ये चेक इट करो भाई साहब, तो गाइस फाइनली डिनर बिनर सब कुछ हो चुका है एंड बज चुके हैं 8:51, काफ़ी ज़्यादा अर्ली है, और अभी तो मतलब जस्ट पैकिंग चल रही है क्योंकि कल जाना है गुलमर्ग, और सुबह मतलब अर्ली ही उठ जाता है, जैसे कि आज हम 6 बजे उठ गए थे, तो सुबह वेल्दे जाना है, तो अभी सब कुछ पैकिंग हो, पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है इसलिए सब कुछ पैकिंग करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं आपको कल वाले व्लॉग में, टिल लेट्स सेवन आर बाय, टेक केयर। Thank you.
हैं।